अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के ग्राम बाईखुर्द में ग्रामीणों ने शराब, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बड़ी पहल की है, जिस पर पंचायत कर फैसला लिया है कि गांव में किसी ने शराब पी या जुआ खेला तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। सट्टा लगाने या अतिक्रमण करने वालों को भी दंडित किया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार भी होगा। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने थाना छर्रा में प्रार्थना पत्र देकर पंचायत के फैसले की जानकारी दे दी है। पुलिस ने ग्रामीणों पहल को सराहा है। इतना ही नहीं, यही सारे स्लोगन थाने के सामने दीवार पर भी लिखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें, नवयुवकों में शराब और जुए जैसी गलत आदतों से आए दिन ग्रामीणों और परिवारजनों को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते अलीगढ़ की विधानसभा और थाना छर्रा इलाके के गांव बाईखुर्द में देवदत्त के घेर में हुई पंचायत में ग्रामीणों ने कहा कि शराब, जुआ, सट्टा व अतिक्रमण समाज को दूषित करते हैं। ग्राम प्रधान पति प्रमोद कुमार ने बताया कि पंचायत में सभी ने एक राय होकर इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की शपथ ली। फैसला लिया कि गांव में कोई जुआ सट्टा नहीं खेलेगा। शराब पीता या अतिक्रमण करता अगर वो पाया गया तो उस पर 10,000 रुपये की जुर्माना लगाया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त न करने व शांति से रहने की भी बात कही। पंचायत में ग्राम प्रधान विमलेश देवी, प्रधान पति प्रमोद कुमार, जिला पंचायत सदस्य पति भरत सिंह राजपूत समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। मार है, इस गांव का प्रधान पति हूँ मैं। आज हमारे गांव में एक सार्वजनिक पंचायत बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी गांववासी का सहयोग था, सभी गांववासियों का अनुरोध था। इसमें ये तय किया गया है, जुआ, शराब, सट्टा नहीं हम करेंगे, नहीं करने देंगे, और अगर कोई करता है तो उसे समझाएंगे, जाएंगे, नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी उसको देना पड़ेगा। ये सभी गांववासी की सहमत से हुआ है। क्या कारण बना जो आपको कारण, मतलब ये निर्णय लेना पड़ा? कारण ये बना कि युवा पीढ़ी पे इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है, उनकी सोच खराब हो रही है, उन पर असर पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये सोचते हुए सभी गांववासियों ने ये निर्णय लिया है। क्या कोई ऐसी कोई घटना नजदीक में संज्ञान में आई थी कि घटना ऐसी इसलिए आई है कि जो बच्चा 12-13 साल का, 15 साल का है, वो भी ये चाह रहा है, वो कर रहा है। 2-4 बच्चे ऐसे देखे नई उम्र के जो 15-21 साल में दारू पीते हुए देखे गए हैं, इसीलिए सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं इस निर्णय से भविष्य सुधरेगा बच्चे का? क्यों नहीं सुधरेगा साहब, गांव का सुधरेगा सुधरेगा, लेकिन जो भी सुनेगा सुनेगा, आगे चल के दूसरे गांव में भी या अन्य लोग भी इस पर विचार करेंगे, अमल करेंगे, और वो भी ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, जुआ, सट्टा, सारा ये 4-5 चीज़ें मेरा नसीब ही है, इन्हें कोई त्यागने में जल्दी त्याग दे, इन्हें कोई नहीं त्यागेगा उसे दंड दिया जाएगा। और देखो ये बुरी बात है, ये अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करिए, शराब, जुआ, झप्पर इन्हें को मत करिए इस्तेमाल, क्यों ये शरीर को नाशकारक है, जिज्जत को बिगाड़ते हैं और हमारे खानदान में बटका बढ़ते जाते हैं, इनको त्याग दिए। इससे ज़्यादा और क्या कहें? देखो बालक बल सबको अपने मन में इतना करनी चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि ये बुरी चीज़ें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे ना करने देंगे, यहाँ तक सही। क्या नाम बाबूजी आपका? हैं, नाम क्या बाबूजी आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह है। शराब बंद करनी चाहिए, जुआ वारे, सट्टो सट्टो लगा बताएं, रुका कहता है गाँव की ने सवारी बंद करनी चाहिए, दारू पंचायत लिया गया है, जो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई करके 10,000 रुपये उसे जुर्माना दिएगा, मांगा जाएगा। आप सही मानते हैं? सही मानता है, सही मानता है। और रुका कहता बुखार शराब बिल्कुल ही बंद है जाए, इससे नुकसान होता है और नुकसान ना हेरो का हेरो है। क्या नाम है आपका? मेरा देवी नाम है, भरता के ही डारे हम तो वोटो के ना के डारे बात करें भाई। अच्छा, जुआ शराब सट्टे के लिए पंचायत बुलाएगी, क्या मानेंगे इसके? हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है ना, मतलब जुआ ना होवे, शराब ना खींचे जामे, हमारे गांव में मतलब ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, खींचती है मतलब हर एक के घर पर खींचती है ना।
तो निर्णय सही है, मतलब नुकसान ही है ना मानना तो जो पंचायत ने जो निर्णय लिया है, जो पंचायत हुई है वो सही हुई है ना? सही हुई है। नाम अवनीश कुमार है, मैं बाएं खुर्द का रहने वाला हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर है मेरी। मैं गांव में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में शराब अधिक बिक रही है। हमारे गांव के प्रधान जी इन्होंने निर्णय लिया है कि कोशिश भी की है कि हमारे गांव में शराब बंद हो जाए और जो हमारे गाँव में जुआ भी अधिक हो रहा है। तो मैंने भी देखा, प्रधान जी भी देखा, मेरे गाँव वासी जो लोग हैं उन्होंने भी देखा है, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी देखा है कि जो कम से कम 20 साल और 25 साल और 30 साल के जो लोग हैं उन्होंने शराब खींचना अधिक वो चालू कर दिया है। और छोटे जो बच्चे हैं वो भी देखने के लिए जाते हैं और वो शराब देख करके और पीने लगते हैं। जो निर्णय लिया गया है पंचायत में वो सही है क्या? वो निर्णय लिया है वो सही लिया गया है। और जो पंचायत में 10,000 रुपये लेने का मतलब जुर्माना रखा है वो भी सही लिया है। तुम सहयोग करोगे? मैं सहयोग करूँगा। तो जी गांव में किस तरह की परेशानी आती है? जी तीन काम की ज्यादा परेशानी है, जो सुधरेगा तो सब सुधरेगा। क्या परेशानी है? क्या क्या करते हैं? दारू चता गाँव में तो जुआ होता है, सट्टे लगाता है सब है। तो अभी जो आपके यहाँ जो पंचायत हुई है, पंचायत में जो फैसला लिया गया है वो किस तरह से देखते हैं? आपको सही लगा वो फैसला? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। खुश हैं इस फैसले से? क्या फैसला लिया क्या पता आपको? बताई तो हिमो पालने के रास्ता में ये घूरे उरे इनकी सफाई करो, कहूँ जुआ है रहो चाहे कैसो जुआ है रहो चाहे पैसनते है रहो चाहे कुल्ली है रही हुए वो सब बंद करवाए कई। और कोई गलत कर रहा हो, कोई गलत शब्द कह रहा हो आदमी बाऊगी कई शराब पीने वाले, हाँ शराब पीने वाले और वैसे कोई सब इन्हें काम न की जुर्माना लगाया गया 10,000। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। तारावती। क्या नाम है आपका और किस तरह की पंचायत बुलाई गई और क्या कारण है? मेरा नाम भरत सिंह राजपूत है, मैं इसे बाई खुर्द में खड़ा हूँ। यहाँ का मैं जिला पंचायत सदस्य हैं मेरी पत्नी और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ। इस गाँव में मैं करीबन 15 वर्ष से, मैं पहले मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, पिछली बार नहीं थी, इस बार भी पत्नी मेरी जिला पंचायत सदस्य हैं। इस गांव से मेरा एक अजीब अपने गांव जैसा मेरा नाता है। इस गांव में आज हम जो लोग इसलिए आए हैं कि कल हमारे इस गांव ने बाई खुर्द ने एक संकल्प लिया है कि जुआ शराब सट्टा जो एक समाज के लिए घातक बीमारी है और विकास के लिए घातक बीमारी है उसके खिलाफ हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों ने अपनी मन की ज्ञानेंद्रियों से इच्छा से ये संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर गांव बाई खुर्द का कोई भी निवासी किसी भी कीमत पर जुआ शराब सट्टे का ना तो कोई प्रयोग करेगा, ना ही इसको अमल में लाएगा और ना ही किसी को करने देगा। अगर ऐसा कोई करता है उसके लिए गाँव के सभी लोगों ने एक पंचायत के रूप में एक समिति बना करके प्रधान जी श्री प्रमोद जी के नेतृत्व में और अन्य बुजुर्ग लोगों की एक समिति गठित की गई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कीमत पर गांव में कोई भी व्यक्ति अगर जुआ शराब या सट्टा करता है उसको आर्थिक दंड 10,000 रुपये तक का हो सकता है वह उसको देना होगा। अगर नहीं देता है क्योंकि इसमें इस सामाजिक काम में समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन भी इस समिति के साथ ग्राम सभा के साथ पूर्णतः अपने साथ है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को क्योंकि उन्होंने इस पहल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में हमारा साथ दिया ग्रामवासियों का। और मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो पहल है, यहाँ की जो पहल इस हमारे ग्राम सभा बाई खुर्द से उठी है, यह पहल अन्य गाँव से भी उठनी चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ भारत और स्वच्छ भारत जो माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रखा है नशा मुक्ति के लिए रखा है जिससे युवा आगे निकले और देश का विकास करें, यह हमारी सबकी भावना है। और सभी ग्रामवासियों यहाँ पर जितने मौजूद हैं उन्होंने संकल्प तो होकर आदम दावे से करते हैं कि हमारा जब तक हमारे जान में जान रहेगी हम हर हालत में ये संकल्प दें, ना हम जुआ शराब सट्टा इस गांव में ना करेंगे और ना किसी कीमत पर करने देंगे, ये हमारा इतना कहना है। धन्यवाद। गांव के लोगों की इस पहल की पुलिस ने भी सराहना की है कि ग्रामीणों का यह कार्य बहुत ही सराहनीय व अद्भुत है, यह सामाजिक चेतना का युग है। वहां के ग्राम प्रधान ने पहल की है कि देसी शराब बनाने की शिकायत थी, ग्राम प्रधान ने पूरी पंचायत की जिसमें जुआ शराब सट्टा का प्रयोग गांव में करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत द्वारा पुलिस से सहयोग भी मांगा गया है जिसके लिए पुलिस उनकी मदद करने को तैयार है। क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी ग्राम समाज या अन्य संस्थान आगे आकर इन्हें रोकेंगे तो इसमें जहाँ भी पुलिस का सहयोग चाहिए वहाँ पुलिस सहयोग देने को तैयार है, क्योंकि बिना किसी समाज
समाज या संस्थानों के सहयोग के बिना शत प्रतिशत अनुपालन होना संभव नहीं हो पाता है। यह बहुत ही अच्छी पहल है जिसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत बधाई के पात्र हैं। पुलिस से जो भी अपेक्षा की गई है उनको पुलिस 100% सहायता देगी। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके गाँव में अवैध तरीके से शराब भी बनती है जिसको ग्राम प्रधान और पंचायत के लोग सर्च कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इसमें पुलिस पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, थाने के सामने वाली दीवार पर भी वही स्लोगन लिखे गए हैं जो कि ग्रामीणों ने अपनी इस पंचायत में मुद्दे बनाए हैं। सर, छपरा में पंचायत हुई है, उसमें जो 10,000 रुपये फाइन की बात आ रही है सामने भी शराब की, क्या? देखिए, ये सामाजिक चेतना का युग है और वहाँ के ग्राम प्रधान ने ये पहल की है। उसके गाँव में शराब बनाने की, देसी शराब बनाने की शिकायत थी। उसने पूरे पंचायत की बैठक बुला के और ये बताया है कि जुआ, शराब, नशा, अगर उसके ग्राम समाज में कोई, ग्राम सभा में कोई अगर इसका प्रयोग करेगा या ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाने की उसने, और उसने पुलिस से सहयोग की अपील की। तो ऐसा कार्य जो भी ग्राम समाज में या किसी टाउन एरिया में, अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि इसको डिसाइड कर लें, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन बिना समाज के हाथ लगाए हुए, बिना सोसाइटी के हाथ लगाए हुए इसका 100% अनुपालन किया जाना संभव नहीं हो पाता। और ये बहुत अच्छी पहल है, उन प्रधान जी को मैं बधाई भी देता हूँ और उनसे जो भी उन्होंने अपेक्षा की है पुलिस से उनको 100% पुलिस की सहायता मिलेगी और उनका गाँव अगर जुआ, सट्टा, शराब से मुक्त हो जाएगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। इल्लीगल लिकर जो बन रही है उसका पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, इल्लीगल लिकर उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ बनती है और हम खुद इसको आइडेंटिफाई करेंगे और हम खुद उन पर जुर्माना करेंगे। अगर कोई प्रतिरोध होता है तो मैं पुलिस की आवश्यकता है। वो कह रहे साहब, हम ही इसको दूर कर सकते हैं, पुलिस को कितना बुलाएंगे, कितनी बार पुलिस आएगी। सर, आपको बता दें कि जिस गांव में यह पंचायत हुई है यहां दर्जनों घर ऐसे हैं जहां शराब खींची जाती है जिससे गांव के नाबालिग नवयुवक शिकार हो रहे हैं। अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।